आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है, सबसे बेस्ट काम कर रहा, सबसे उन्नति हो रहा देश का, मोदी अच्छा नहीं था और कौन अच्छा है, इतना पार्टी आया इतना गया, कोई देश का भलाई किया, वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। बैठ दिया, अच्छा लैटरिन दी, पानी दिया, पिल्सन दी, वोट देता मेरे को। अच्छा वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, प्लाज में देंगे, कुछ ना मिला। अरे हम कहिए की योगी मोदी के लिए काम हूँ पर हम देखूंगा, दूसरे के वोट कहे के लिए हमें खाएगा लेना, पैसा देना। सचो सब का झूठा, घर मारा बना दिया, अच्छा शौचालय मारे बना दिए, 500 रुपए पिल्सन आना मारे, और क्या भाई, महात्मा मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी, और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूँ कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही है, लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते हैं जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा, मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी, और यही मेरी ताकत है। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया हूं, और मैं दोनों, अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूँ, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूँ। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है।